नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मौसम बदल रहा है, हल्की हल्की सर्दी जहां ज्यादातर लोगों को खुशी दे रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अगले 2-3 महीने बहुत दर्दनाक होने वाले हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस के मरीजों की, जिनके लिए बदलता हुआ मौसम दर्द लेकर आता है। घुटनों का दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर हो या फिर कोई पुरानी चोट हो, सर्दी में उभर कर आती है, फिर उठाती है, परेशान करती है। और डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी के मौसम में टेम्परेचर गिरने से जॉइंट्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, नतीजा जोड़ों में अकड़न के साथ दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब स्किन ठंडी होती है तो दर्द ज्यादा होता है और इसलिए अर्थराइटिस के मरीजों की परेशानी भी बढ़ जाती है। उसे इसलिए मीनाक्षी, बड़े बुजुर्गों को ठंड का मौसम ज्यादा पसंद नहीं होता है। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो उसमें कम होने लगते हैं। जोड़ों के बीच का जो लुब्रिकेंट है वो भी घट जाता है, जो वजह बनता है आर्थराइटिस की बीमारी की। केवल बुजुर्गों में ही नहीं हुसैन, लगातार घंटों कुर्सी पर बैठने की वजह से कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे जोड़ अकड़ जाते हैं। गलत तरीके का खान पान, मोटापा और कैल्शियम की कमी कम उम्र में भी लोगों को हड्डियों का रोगी बना रही है। तो सर्दी हो या गर्मी, हड्डी मजबूत रहे, पोस्चर अच्छा रहे, ना कंधे में कभी अकड़न हो और ना ही कमर झुके, इसके लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत तो हर दिन करनी होगी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या फिर हो बरसात, यानी योग तो करना ही है, जो वजन को मेंटेन भी रखेगा, आपकी स्पाइन को लचीली और मजबूत भी बनाएगा और कैल्शियम मिनरल्स को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करेगा। तो कौन से योग रोजाना आपको दिलाएंगे आर्थराइटिस से छुटकारा, ये बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और आज जो हम बातें बताएंगे आर्थराइटिस के संदर्भ में, आज हम कम से कम 85 उपाय बताने वाले हैं, लेकिन एक एक उपाय ही 100% बीमारी को दूर करने के लिए पर्याप्त है। जैसे हमने पहले भी लीज थेरेपी बताया हुआ है, अलाबू बताया हुआ है, जहाँ भी दर्द है वहाँ लीज लगा देते हैं या अलाबू कर देते हैं, थोड़ा उसको हल्का हल्का ऐसे छेद करके और उसमें से वहाँ का खराब खून बाहर निकाल देते हैं। हमारे यहाँ पर सपेरा समाज जो है वो सदियों से इस काम को करता था, उसको सींगे लगाना बोलते थे गाँव की भाषा में, लीज थेरेपी वो हमने पहले बताई। आज यहाँ 3 थेरेपियाँ एक साथ आप देख रहे हो। सींगी लगाना, वो ऐसा ऊपर से उसका मुंह चौड़ा होता था, पीछे से सकड़ा होता था और उसको छोटे थोड़े ऐसे हल्का सा एक यंत्र रखते थे, उसे छिद्र करके और फिर जो है उसमें से खराब खून निकालते थे और उससे दर्द हो जाता था दूर। तो खैर वो हमने अलाबू जो है उसको जो कफिंग अंग्रेजी में कहते हैं और लीज थेरापी जोंक लगाने वाली वो भी हमने बताई हुई। आज जो है हम यहाँ कटिबस्ती बता रहे हैं। एक इस भाई को भयंकर कमर में दर्द है, अर्थराइटिस का असर कमर में भी होता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के भी, आज तुम्हें लेख जो है वो भी उसको लोग अर्थराइटिस के अंदर गिनते ही नहीं, वो भी वात रोगों का ही एक प्रकोप है, चाहे वो ई आसर बढ़ना है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ना है, चाहे आर इफेक्ट बढ़ना है, चाहे वो HLB-27 है, चाहे CA-25 है, चाहे एवियन है, ये तमाम तरह के पेन मार्कर्स जो है ये इसमें बढ़ते हैं। अब मैं बता रहा था जो है पूजा का पूरा एक एक अंग उसने क्या किया, जैसे हमने बताया इंडिया टीवी पर देख देख करके 500 बार सूक्ष्म व्यायाम किया हाथों का, पैरों का, ऐसे अंगुलियों के लिए, पंजे के लिए, टखने के लिए, हाथों के लिए भी ऐसे ही, चलो ऐसे ऐसे 500 बार किया उसने, अपने हाथ टेढ़े मेढ़े होने से बचा लिए, ESR, यूरिक एसिड, आर इफेक्ट उसका तो 850 पहुंच चुका था, उसको कम कर लिया, अब थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। 1-2 दिन में आराम, 1-2 सप्ताह में मैक्सिमम लोगों का दर्द ठीक। और भयंकर जिनको अर्थराइटिस है, जिसको कहते हैं ना वात का वेग बहुत प्रबल है, एक्यूट अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और उसके फिर अलग अलग जो ये क्लासिफिकेशन जो मैं अभी बता रहा था उसमें CRP लेवल बढ़ जाता है, ESR, फिर RA फैक्टर 20 होना चाहिए, वो 100, 200, 500, 1000 तक जिनका पहुंच जाता है, AVN, HLB-27 और ये सारे के सारे जो उपद्रव हैं ये खत्म हो जाते हैं। 500 बार ऐसी सूक्ष्म एम लंबे लंबे सांसों के साथ करना पड़ता है। कटिबस्ती
घुटने में दर्द है तो जानो बस्ती गरम गरम तेल उसमें डालते हैं, फिर पोटली मसाज या अलग अलग तरह की थेरापियाँ भी आज हम यहाँ से बता रहे हैं। और साथ ही जिन्होंने ये अब जैसे वेरुकोज वेंस भी, ये भी वात का ही प्रकोप है। अब ये बिटिया बैठी है, क्या नाम बेटा? तो स्वामी जी आज का जो कार्यक्रम है जयपुर से, क्या क्या था? मुझे वेरिकोज वेंस हुआ, उसके बाद में मुझे अर्थराइटिस ने पकड़ लिया, 10 साल से परेशान हूँ मैं। वेरिकोज वेंस फिर अर्थराइटिस आ गया। अब ये योग के अलावा पेन किलर्स, स्टीराइड और बायोलॉजिकल ये खाते हैं लोग, ये इसका समाधान नहीं है। अब ये तो इसने अब कितना परसेंट ठीक है तेरे को? मुझे 95% अब इसने अपना ठीक कर लिया है। तो स्वामी जी आज के कार्यक्रम के बाद आर्थराइटिस से जो लोग परेशान हैं, जॉइंटों में आवाज आती थी, सामने बैठे वाला भी सुन सकता था, इतना ज्यादा आवाज आती थी। कच कच की आवाजें जी हुसैन भाई। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम के बाद सर्दियों में आर्थराइटिस से लोग परेशान नहीं होंगे, हम इतना भरोसा लोगों को दे सकते हैं? जी पक्की बात है एकदम। ये कट कट की आवाज भी आती है, हड्डियां कमजोर होने से, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस इसी का रूप है आर्थराइटिस का ही। वात्र इसको ना आर्थराइटिस से अंग्रेजी के शब्द में पूरा सत्य समाहित नहीं होता, इसके लिए हम कहें वात रोग। वात में सारे आ जाते हैं, ठीक है? वात में SLE, MS, ऑटोमन डिजीज, वात में एंकलोजिंग स्पोराइटिस, वात में घुटने का दर्द, कमर का दर्द, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस, ANA, AVN, HLB-27, CRP, RA factor, यूरिक एसिड, ये सारा का सारा वात रोगों में कवर हो जाता है। अब जाओ उधर बैठो। अच्छा स्वामी जी ये छोटी छोटी चीजें भली लगती हो, इसको तो इतना भयंकर था, लेकिन लगातार अगर ये सूक्ष्म में व्यायाम करो तो समझ में आता है कि बड़े बड़े व्यायाम से भी मुश्किल है। ये लंबे लंबे सांसों के साथ जब 100-200 बार करते हैं ना, तो एक एक अंग जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो तक सीधे हो जाते हैं। अब जैसे ये बहन, तो इसको तो क्या हालत होगी थी तेरी? हाँ जी, ओम जी बाबा जी। क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रीत कौर, मुंबई से है। हरप्रीत कौर मुंबई से? हाँ जी। मुझे SLE 2009 में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से मैंने बाबा जी का योगा योगराम में आके 11-12 बारी आ चुकी हूँ। अच्छा। योगराम में मैं रेगुलर आती हूँ, एक एक महीना 21-21 दिन के लिए। उससे क्या क्या हुआ था? उससे मुझे पूरी बॉडी में फर्क पड़ गया, मेरा स्टेरॉइड 40 mg था, अभी 40 mg स्टेरॉइड, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, और सबसे बड़ी बात है ये कैंसर की माइल्ड डोज देते हैं और इम्यूनिटी को लो, इम्यूनो सप्रेशन देते हैं और बायोलॉजिकल इंजेक्शन देते हैं, और वो एक एक इंजेक्शन 25-25, 50-50 हज़ार रुपए का आता है। तो तूने तो बाबा जी कर दिया। मेरा बस खाली 2 mg है, वो भी अभी बंद कर दूंगी। मुझे इतना फर्क पड़ा है यहाँ पर आकर, और सब मेरी जो तकलीफ है, मुझे माइग्रेन था उसमें फर्क पड़ गया, मुझे घुटनों में इतना दर्द था मैं चल नहीं पाती थी, और मेरे हाथ पैर सब टेढ़े हो रहे थे, पर अभी मुझे इतना फर्क है कि मुझे, मैं हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, हर महीने नाना हाथ पैर चलते ही नहीं थे, सब स्वेलिंग थी, पर भगवान जी की दया से और आपकी कृपा से मेरा अभी बिल्कुल ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाना बंद हो गया। बहुत अच्छी बात है, अपने स्थान पर ही उसको देना माइक। मैं क्यों तो स्वामी जी, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं एक तरह से, और इसके साथ ही ये सूक्ष्म व्यायाम जी जी स्वामी जी, अगले दो चार महीने हैं वो आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत परेशान करने वाला है, तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ कौन कौन से योगाभ्यास हम सबको करने हैं, वो लोग खासतौर से जो आर्थराइटिस से परेशान हैं, ताकि आर्थराइटिस उन्हें इन सर्दियों में परेशान ना करे। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम 10-20 बार से शुरू करके बटरफ्लाई भी कर लें, जो बटरफ्लाई नहीं कर सकते एक पैर ऐसे रख करके ऐसे कर लें। एक एक अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 100-200-500 बार तक करवाते हैं। अब किसी के घुटने पूरे जाम हो, कमर पूरी जाम हो, हिप जॉइंट पूरे जाम हो, तो 10-20 बार से शुरू करके 50-100-200-500 बार तक करवाते हैं। अब घुटने पूरे जाम हैं तो घुटनों के लिए देखो, ये घुटनों की एक्सरसाइज, ऐसे घुटनों को टाइट किया, घुटनों को झीला छोड़ा। अब ये देखने में हल्का सा व्यायाम है, ऐसा लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, ऐसे ये तो खड़े होकर के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए, बैठ करके ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे घुटनों को खींचा, ढीला छोड़ा। जहाँ दिक्कत है वहाँ का अभ्यास ज़्यादा करना, सबसे ज़्यादा देखो जब अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा असर नहीं कर पाते, तो प्राणायाम, लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे छोड़ना,
इतना ही करें, वो तेजी से तो नहीं कर सकते ऐसे। तो आराम आराम से करें। दस बीस मिनट ये करना है, एक घंटा ही कपाल भाती करना है ऐसे, एक घंटा अनुलोम विलोम करना है। अभी लोगों को ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, एक्यूट पेन होता है, मैंने कहा ना सीआरपी लेवल, ईएसआर, यूरिक एसिड, आर ए फैक्टर जब 20 से 50, 100, 200, 300, 500, 1000 तक पहुंच जाता है, आर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उस समय एक एक घंटा का कपालभाति अनुलोम विलोम, आसन एक एक 10-10 मिनट करना पड़ता है, फिर योग यज्ञ पूर्वक ये जो वातिष्ठि के साथ हवन किया उसी में जो है वातिष्ठि गुग्गल गाय का घी डाला उससे किया, फिर जो है उसमें आयुर्वेद की औषधियाँ जो अभी आगे हम बताएंगे एक एक करके, फिर उसके अंदर उपवास और वो भी एलोवेरा और गिलोय के साथ, एलोवेरा और गिलोय का पानी पीते हुए उपवास करें, फिर पेट साफ रहना चाहिए, उसके लिए त्रिफले आदि का सेवन करते रहना चाहिए, एरंड तेल पीना चाहिए जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है वात रोगियों को, और उसमें फिर खाने में रागी और बाजरे की रोटी खानी चाहिए, आज रागी का एक विशेष पकवान भी बताने वाले हैं, फिर तेल का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको ये कटिबस्ती, जानुबस्ती, पोटली मसाज, अलग अलग प्रकार की मसाज करनी पड़ती है, ये पीड़ानिल स्प्रे या पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है, ऊपर से भी ट्रीटमेंट देते हैं, अंदर से भी ट्रीटमेंट देते हैं, उपवास भी कराते हैं, अंदर से जब खाना नहीं मिलता है शरीर को तो शरीर रोग को खाता है, माने ईएसआर को खाएगा, फिर यूरिक एसिड को खाएगा, घटाएगा सीआरपी को, घटाएगा जितने भी पेन मार्कर्स हैं इनको घटाएगा, तो उपवास उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कपालभाति अनुलोम विलोम करने से वात पित्त कफ का, सबसे पहले वात का बैलेंस होता है, प्राण कहते ही वात को है, तो प्राणायाम वात को संतुलित करने वाला है कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये एक एक घंटा करने होते हैं, फिर गर्दन में उसका असर है, कंधों में असर है, घुटनों में असर है, उसके लिए फिर आगे एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करें, फिर भ्रामरुद्गी स्ट्रेस से भी ये वात रोग बढ़ता है उसको भी नियंत्रित करने के लिए वो भी करें, और सुबह उठ करके ऐसे ही एलोवेरा और गिलोय का जूस पी लें, और अच्छा स्वामी जी मेथी का पानी पी लें, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी खाने के लिए हम बोलते हैं वो खा लें स्वामी जी। भाई स्वामी जी सर्दियों में सबसे ज्यादा लोग फ्रोजन शोल्डर से परेशान रहते हैं, गर्दन से लेकर कमर तक का जो दर्द है वो भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा होता है, तो इन दो परेशानियों के लिए खास तौर से फ्रोजन शोल्डर और गर्दन से कमर तक के लिए कौन कौन से योगाभ्यास कर रहे हैं? देखिए फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे अच्छा तो एक तो ये है, ऐसे ही अभ्यास करें, और जिनको भी दर्दे हैं जैसे मैंने बताया हल्दी मेथी सोट और मीठी सुरंजन, इनका पाउडर ले लें या वातारी चूर्ण ले लें, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, प्रोटीन, ऐसे छोटे छोटे इन पोषक तत्वों को, मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी दर्द होता है, तो सुबह धूप में बैठे, जैसे आज हम धूप में बैठे हुए हैं, अभी पेड़ों के बीच से छन छन करके धूप आ रही है, धूप में बैठ करके योगाभ्यास करने से एक ही अभ्यास, दूसरा ये जो है फ्रोजन शोल्डर के लिए विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी, विटामिन डी, विटामिन B12 कोन हल से भी मिलता है, तो जो है थोड़ा कोन, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा जो है उसमें चौलाई, और फिर मूल रूप से उसमें रागी और बाजरे की रोटी और एलोवेरा की सब्जी, 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, एक चम्मच गाय का घी, एक चुटकी भर उसमें हींग, एक चुटकी भर जीरा, एक चुटकी भर जो है धनिया, ये सब मिला करके अजवाइन, और उसका तड़का लगा करके, और ये सब्जी दो बार खाई जा सकती है, एक बार बना करके 100-100 ग्राम दो बार खा लेंगे यही सब्जी, ये अभ्यास कर लेंगे ऐसे, ये अभ्यास करें, और जिनको गर्दन में ज़्यादा दर्द है ये उष्ट्रासन भी कर दें, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, ये बहुत परेशान करता है, फिर घुटनों में दर्द आता है, जोड़ों में दर्द आता है, तो उष्ट्रासन 1-2 मिनट लंबे लंबे सांसों के साथ कर लिया ऐसे ही कर लें, फिर उल्टे लेट करके, चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके मकरासन भुजंगासन कर लें, तो दर्दें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो मैंने कहा विटामिन डी B12 कम होने से लगातार फिर दर्दें बढ़ती रहती हैं, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम कमी के लिए जो हेल्दी हैं वो तो दूध दही छाछ आदि का प्रयोग करें, लेकिन जब दर्द बढ़ जाते हैं तो खटाई, नींबू, किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें दर्द को बढ़ाती हैं,
फिर विटामिन सी की पूर्ति के लिए विटामिन हमने वो रोजी हिप से बताया वो ले, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता है। खून की भी कमी हो जाती है, उसके लिए हमने मुनक्का अंजीर से लेकर के गाजर चुकंदर अनार का जूस बताया हुआ है। नहीं तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ है, न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक जो है हमने वो कोनहल से और पंपकिन सीड से तैयार किया, उसका सेवन करें। पीड़ानील गोल्ड खाली पेट और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले। हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो लाक्षादी गुग्गुल, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो चंद्र प्रभाव टी गोक्षुर आदि। ये छोटे छोटे यूरिक एसिड बढ़ने से भी बहुत तकलीफ होती है, तो गोखरू का पानी हमने बताया हुआ, गोखरू का पानी गोधन आर के यूरिक एसिड को तुरंत कम करता है। और खाने के बाद गोक्षुर आदि गुग्गुल चंद्र प्रभाव टी और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लेते हैं, तो ये कंधों का दर्द, ये गर्दन का दर्द, ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये पूरे शरीर में जो दर्दें हैं, पूरे शरीर में जो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब के लिए ये आयुर्वेद की औषधियाँ भी ज़रूरी हैं। खान पान का नियंत्रण भी ज़रूरी है। और उपवास में मैंने कहा या तो गिलोय और एलोवेरा के पानी पर उपवास करें, अथवा ऐसी खाली पानी पर भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनका पित्त बढ़ जाता है फिर, तो वो जो है सौंफ के पानी पर उपवास करें। जिनको अर्थराइटिस होता है मेथी पानी और उसमें हनी डाल करके उपवास कराते हैं, तो मेडिकेटेड फास्टिंग ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो जिनको ये गर्दन में ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो ये भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, और कमर में ज़्यादा दर्द आ गया तो मरकट आसन भी कर सकते हैं। तो अलग अलग अंगों पर फिर उसका विशेष प्रभाव आने लगता है, और उसको निष्प्रभावी करने के लिए ये अलग अलग अभ्यास करने पड़ते हैं। सीधे लेट करके मरकट आसन, अब कितना ईजी है, लेकिन ये कमर पकड़ लेता है जैसे जैसे। अब देखो अर्थराइटिस एक तो सर्दी के कारण से बढ़ता है, अर्थराइटिस जब आकाश में मेघ होते उससे भी बढ़ता है, अर्थराइटिस फिर जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है उससे भी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, बादलों को तो नियंत्रित कर नहीं सकते, ठंड को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ठंड मताओ अब तो आएगी सर्दी तो आएगी शरद ऋतु, लेकिन उसमें हम अपने आप को कैसे नियंत्रित रखें उसके लिए आज हम उपाय बता रहे हैं। तो अब इन उपायों को अपना करके अब पवन मुक्त आसन सब प्रकार के पवन वात रोगों से मुक्ति के लिए विशेष है, तो ये मरकट आसन और इसके बाद पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, जितना जिससे बन पाए उतने करें, और साथ में प्राणायाम जरूर जारी रखें। हुसैन भाई बिल्कुल स्वामी जी, प्राणायाम इसीलिए आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो हर मर्ज की एक तरह से दवा है। स्वामी जी सर्दियों में कुछ लोगों के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और जो स्किन है वो लाल रंग की दिखने लगती है, इसके लिए योग के साथ साथ क्या क्या किया जा सकता है ताकि इस तरह की जो परेशानी वो भी दूर हो जाए? सूजन को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है एलोवेरा और गिलोय के जूस के साथ साथ पुनर्नवादी मंडूर। अब सूजन के तीन कारण होते हैं, एक तो अंदर का इन्फ्लेमेशन होता है, दूसरा यूरिक एसिड होता है, और बाकी जितने भी पेन मार्कर्स ये बढ़ते हैं वैसे वैसे सूजन बढ़ जाती है। तो पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्नवा का काढ़ा, पुनर्नवा क्वाथ, नहीं तो सर्वकल्प और पीड़ांतक क्वाथ ले लें, पुनर्नवा और सरगवा जिसको सहजना कहते हैं, निर्गुंडी और पारिजात आहार श्रृंगार, ये अक्सर लोगों के घरों में मिल जाते हैं। तो पुनर्नवा, हार श्रृंगार, पारिजात और ये सरगवा, सहजना, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, उसकी फलियां, उसके पत्ते और उसके फूल सबके सब लाभ करते हैं। नागर मोथा या मोथा घास या पुनर्नवा इसको उबाल करके पीने से, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ ही उबाल करके पी ले, एकदम से सूजन कम हो जाती है। खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और खाने के बाद चंद्र प्रभादी गोक्षुरादि लेने से यूरिक एसिड के कारण से भी सूजन आ रही होगी तो दूर हो जाएगी। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन एक एक दो दो मिनट कपाल भाती के साथ करें ऐसे, तो पूरे शरीर की सूजन खत्म हो जाती है। वाटर रिटेंशन जिनको होता है उससे भी सूजन बढ़ती है, तो उसके लिए नमक बंद कर दे थोड़े दिनों के लिए, और आर्टिफिशियल मीठा भी बंद कर दें। मीठे के तौर पर हनी है, मुनक्का है, खजूर है, अंजीर है, गुड़ है, शक्कर है, गन्ने का जूस है, उससे खून भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। उत्तान पादासन, नौकासन,
अब तो ये बहने अर्थराइटिस से परेशान थी, अब तो सारे आसन कर रही है। एक तो क्या अंबाला से, कहाँ से बेटा? ये हमारी महिला प्रभारी अमृतसर से। क्या था तेरे को? मैं अमृतसर से हूँ और मेरे को ना एक्चुअली पता नहीं था कि मेरा यूरिक एसिड होता है जहाँ कुछ मेरे पेन्स बहुत होती बॉडी पूरी में और मेरे को पता ही नहीं था मेरे को था क्या। तो मैं यूरिक एसिड बढ़ गया था और फिर मैंने टेस्ट करवाए तो मेरा विटामिन डी 2 रह गया था। विटामिन डी यूरिक एसिड बढ़ गया? हाँ जी, वो कम हो गए सारी डेफिशिएंसियों की, प्रोटीन विटामिन जितने भी सारी डेफिशिएंसी होने की वजह से सारे कम हो गए। तो यूरिक एसिड मेरा 90 आ गया था। 90? हाँ जी। अरे राम राम राम। तो इतनी ज्यादा मेरे को पेन्स होती थी, मैं रोती थी अकेली घर में भी अकेली हूँ। तो ये पहली लेडी देख रहा हूँ 90 यूरिक एसिड और विटामिन डी, B12, कैल्शियम ये सब डाउन। हाँ जी, सब डाउन। फिर क्या किया? फिर मैं तो 2002 से ही योगा से जुड़ी हूँ, मैंने कभी और किसी डॉक्टर के पास गई नहीं आज तक और देखा भी नहीं था। फिर जब मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तब मैंने अमृतसर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। तो वो क्या करते थे, मेरे को मेडिसिन देते थे। अब शॉर्ट में बताओ फिर ठीक कैसे हुई? ठीक, बस मैंने गोखरू का पानी पिया, शाम को मेथी दाना भिगो देती थी और सुबह उसको उबाल भी लेती थी, तो सारा दिन मैं गोखरू का पानी पीती थी। गोखरू का पानी, मेथी दाना जो बताते हैं, हाँ जी वही पिया और उससे मेरा क्योर हो गया। और अब यूरिक एसिड कितना है? अब तो यूरिक एसिड मेरी कल टेस्ट हुए हैं और आज रिपोर्टें मिलेंगी। वैसे मेरे को बॉडी से ही लग रहा है कि मैं 5-6 आ गया होगा, वो 6 से नीचे होना चाहिए, 6-7 से नीचे होना चाहिए। और मेरे को ना शुगर भी अप हो गया था। और आप क्या हाल है? शुगर, शुगर अब तो मेरे को वो अपने डाइट चार्ट पे डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो दिया है। तो चलो बैठ जाओ। अब ये अमृतसर में अब योग का झंडा लेकर के आगे बढ़ रही है, सबको योग सिखाती है अभी। क्या नाम है? राजेंद्र कुमारी, अमृतसर की जिला प्रभारी हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूं। बहुत अच्छी बात है। मंडूकासन कर। अब देखो, अब दूसरों को योग स्वामी जी, लेकिन इस 90 बताओ स्वामी जी, इन सर्दियों में ऐसा होने पर कमर दर्द वाले बहुत परेशान रहते हैं स्वामी जी, तो कमर दर्द के लिए कुछ और योगाभ्यास आप बताएं, क्या क्या करना है ऐसा कि कमर जो है वो मजबूत रहे। लोग कहते भी अक्सर कि कमर जो है वो इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कमर दर्द से कैसे राहत रहेगी? कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बरकटासन तो बता दिया, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये जिनको भी दर्दें होती हैं उनकी कमर और सारी जोड़ी पकड़े जाते हैं। तो कमर दर्द वालों को ज़्यादा आगे नहीं झुकना, उनको पीछे झुकने के लिए जो हमने उष्ट्रासन से शुरू करके और मरकटासन तक अभ्यास बताए, उन अभ्यासों को करना चाहिए और उन अभ्यासों के साथ साथ उनको कपालभाति भी धीरे धीरे करना चाहिए। और उष्ट्रासन, ये वक्रासन और जो अभी बता चुके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और मरकटासन, ये अभ्यास करेंगे, कमर में दर्द कतई नहीं होगा। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड के साथ त्रयोदशांक गूगल ले लें तो कमर दर्द का ये परमानेंट सॉल्यूशन है। बाकी कटिबस्ती आदि दिखाई रहे यहाँ पर, कटिबस्ती करें, कमर में थोड़ा सा पीडानिल गोल्ड और ये पीड़ान तक तेल, इसकी मसाज कर लें और उस पर फिर गर्म पट्टी बांध, ठंडे और गर्म पानी की सिकाई, हॉट एंड कोल्ड प्रोस, ये जबरदस्त लाभ करता है। तो अलग अलग अंगों में ये वात प्रकोपित हो जाता है, इसी के कारण से किसी को कमर में दर्द, किसी को गर्दन कंधों में, किसी को अलग अलग जॉइंट्स में दर्द होता है। और प्राणायाम उसकी परम औषधि है, इसका हमेशा ध्यान रखें। अब स्वामी जी सवालों के शामिल करने की बारी है। पूरी कमर में असर आता है तो उसके लिए गोमुखासन भी लाभ करता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी सारी परेशानियां लोगों को, आर्थराइटिस से जुड़ी हुई, जोड़ों से जुड़ी हुई, हड्डियों की परेशानियां, इतनी सारी परेशानियां कि सवालों की एक लंबी फेरिस्त आ चुकी है हमारे सामने। सबसे पहला सवाल रेणु शर्मा का है, वो अपने माँ के लिए कुछ जानना चाहती हैं। उनकी माँ की उम्र 50 साल है और 20 सालों से वो वेरिकोज वेन्स से परेशान हैं, चेहरे और पैरों में मोलाजमा भी उनको है जो हाथों में भी फैल गया है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो रेणु के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए सबसे अच्छा उपाय है, एक तो अर्धहलासन करें, जिनको भी वेरिकोज वेन्स हो जाता है तो ये अर्धहलासन इतना ही कर ले, जो पूरा कर सके तो पूरा कर ले, लेकिन बड़ी उम्र में पूरा हो नहीं पाता है तो वो खाली
अर्धहलासन करें ऐसे, ये अर्धहलासन ऐसे, ये वेरिकोज वेंस के लिए रामबाण है। फिर इसके लिए ऐसे बैठ करके लेट करके पैरों को आगे पीछे दबाना, कपालभाति अनुलोम विलोम करना, मिट्टी की पट्टी। अब क्या करना, मिट्टी का लेप लगाएं, मिट्टी में हल्दी, ये जो कच्ची हल्दी होती है, हल्दी, एलोवेरा, और ये देखो ये आँखें के पत्ते हैं, आँखें के पत्ते हैं, ये इसमें पारिजात है, और ये कि अमरबेल है, अमरबेल है, पारिजात है, आँखें के पत्ते हैं, निर्गुंडी है, पीड़ंतक क्वाथ है, उसको उबाल लें थोड़ा, अथवा मिट्टी में खाली एलोवेरा, हल्दी, अदरक, मिल्तानी मिट्टी में या मिट्टी में, इसको मिलाकर गूगल और मिला दें और उसको पैरों पर लगा दें, अथवा लीज थेरापी और अलावो हमने पहले ही बताया हुआ है, और खाने में काया कल्पवटी और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और कैशोर गूगल, बस इतना प्रयोग कर लेते एक एक गोली, तो रेणु जी से लेकर के बाकी सब का भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई चमड़ी पर उपद्रव है तो एलोवेरा जेल लगाएं, एलोवेरा और गिलोय जूस पी लें, साथ में नीम के पत्ते भी खा लें, तो पूरी स्किन भी 100% नॉर्मल हो जाती है। अगला प्रश्न, अगला सवाल स्वामी जी शिवाकांक्षी का है, बता दिया। उनकी भाभी हैं, उनकी भाभी की कमर की नस खिंच गई है, अब वो खड़ी भी नहीं हो पाती ठीक से, ना बैठ पा रही सही ढंग से, तो उनकी परेशानी का समाधान बता दें। अब देखो कमर की नस खिंच जाए उसके लिए क्या करें, उसके लिए अभी कमर के आसन तो हमने बताए थे, और त्रयोदशांग गुग्गुल चंद्रप्रभा वटी ये भी बता दी हमने, ऑर्थोग्रीट भी बता दिया, उसके लिए ये पॉइंट है, एक दो, ये सारे चैनल, ये सारे जो चैनल हैं ये ज़बरदस्त लाभ करते हैं। तो यहाँ से शुरू किया ऐसे ऐसे, यहाँ से शुरू करके ये दोनों तरफ से ऐसे अंगुली के, फिर ये पीछे के ये जो गैप हैं यहाँ पर दबाते हैं, इन गैप्स में दबाते हैं, अंगुलियाँ भी सूज जाती हैं, पूरी बहुत दिक्कत हो जाती है अर्थराइटिस में, तो यहाँ से पूरे ऐसे दबाते हैं ये अंगुलियों के दोनों साइड में से, फिर ये पूरा चैनल ऐसे दबाते हैं ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे दबाएं, और इसका रामबाण जो इलाज है वो छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली इसके टॉप पर और इसके मूल में दबाते ही दर्द ऐसे गायब होता है कि जैसे पता ही नहीं था, इतना कितना ही भयंकर दर्द हो दबाते ही गायब। हाँ, पैर में भी और हाथ में, हाथ में ये पीछे के चैनलों के साथ साथ एक ये अनुभव की विद्या है, तो ये रिंग फिंगर के तो ये बीच वाला जो पोरवा है इसके ऊपर ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ये पोरवा दबा देते हैं, पूरा 100% दर्द गायब हो जाता है, बहुत छोटी सी बात है, कमर में कितना भयंकर दर्द हो ये गायब हो जाता है यहाँ दबाने से, तो कमर का दर्द पूरी तरह से, पूरी नस ठीक हो जाती है, उसको शैटिका पेन बोलते हैं, उसको आयुर्वेद में गृध्रसि बोलते हैं, कितना ही भयंकर हो। और जिनकी गर्दन बहुत दुखती हो ना, तो ये कल ये एक मानसिंह आया बोले बाबा जी मेरे को तो गर्दन में एक मिनट बैठा नहीं जाता था, आपने बताया मैंने ऐसे 2-3 मिनट ऐसे गर्दन को लटका दिया, 3 दिन लटकाया, वर्षों पुराना दर्द बोले 5 साल पहले किया था, अब एक बार भी दोबारा हुआ नहीं है, ऐसे गर्दन लटकाते तो गर्दन का दर्द दूर हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं इनसे बड़े बड़े उपद्रव हैं, बड़े बड़े आंधी और तूफान जैसे जो वेग आते हैं ना रोगों के वो थम जाते हैं। हुसैन भाई ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, स्वामी जी अगला सवाल प्रभा का है, प्रभा ये सवाल पूछ रही है कि उनकी बहन को सर्वाइकल की परेशानी है और उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, तो ऐसे में ये एक तो उंगलियों का सुन्नपन जो है वो कैसे दूर किया जाए, सर्वाइकल की परेशानी कैसे दूर होगी? तो एक तो सर्वाइकल के लिए अभी जो बताया ऐसे गर्दन लटकाए, फिर ये सर्वाइकल के लिए ये अभ्यास करें, ये अभ्यास जो शुरू में जहाँ से सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, और इन अभ्यासों के करने के साथ साथ पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद बस इतनी औषधि उनके लिए पर्याप्त है। अब किसी किसी के अंदर से नसें कमज़ोर हो जाती है तो फिर वो दो चीज़ें और ले सकते हैं, स्प्रुलिना मोरिंगा, ये नसों की कमज़ोरी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, जो दोनों ही 100% नेचुरल है। मोरिंगा तो सहजने को बोलते हैं, स्प्रुलिना जो साफ पानी के ऊपर सिवाल जैसा हरी घास जो पानी के ऊपर जम जाती है उसको लेकर के उसका तैयार किया जाता है, दोनों चीज़ें एकदम नेचुरल है। स्प्रुलिना और मोरिंगा ये खाने के बाद खाली, इससे अंदर के
क्योंकि जिनको नसें कमज़ोर होती हैं और प्रोटीन लेते ही दर्द बढ़ जाता है, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उनके लिए बेस्ट है स्प्रिलिना और मोरिंगा खाएं। और अंदर से नसें और ही ज़्यादा कमज़ोर है तो अश्वशिला ले सकते हैं अथवा दूध में हल्दी और शिलाजीत ले सकते हैं। और ये जो अभ्यास अभी बताए जा रहे हैं और कमर के जो अभ्यास बता चुके हैं, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, बरकटासन, उन अभ्यासों को और कर लेंगे तो पूरी तरह से गर्दन का दर्द और सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, लंबे वक्त से इंडिया टीवी देख देख के लोग योगाभ्यास भी कर रहे हैं और आपकी जो बताई चीजें हैं उसको उन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लोग साल साल भर से, डेढ़ डेढ़ साल से गिलोय का इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सिर्फ गिलोय के बारे में बताइए, अगर कोई आदमी साल डेढ़ साल से गिलोय का इस्तेमाल कर रहा है लगातार, तो क्या उसे अब वो बंद कर देना चाहिए या वो उसको रेगुलर ले सकता है? थोड़ी मात्रा में एक दो चम्मच जूस या एक गोली अथवा इतनी सी, करीब एक बालिश है, एक बिलांद बोलते हैं आम लोक भाषा में, इतनी सी गिलोय की डंडी रोज पी जा सकती है। जिनकी पित्त प्रकृति है उनको बिना उबाले पीना चाहिए और जिनकी कफ और वात की प्रकृति है उनको उबाल के पीना चाहिए। और उससे जिनको सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, कफ कोल्ड रहता है, ये मैंने लोगों को, और मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ 20-25 साल से, तो मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ और मैंने 20-20 साल से, आपने कल ही देखा था एक माता को जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी, वो 13 साल से गिलोय ले रही है, तो गिलोय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोज ले सकते हैं। जैसे हम युगों युगों से हल्दी का, जीरे का, धनिया का प्रयोग कर रहे हैं, हम युगों युगों से जैसे अलग अलग प्रकार के अन्य शाक सब्जियाँ खा रहे हैं, ऐसे ही ये थोड़ी मात्रा में, अब शाक सब्जियाँ फल आदि जो है कटोरा भर के खाया जाता है, एलोवेरा 25-50 ml लिया जाता है, गिलोय जो है एक बालिश ली जाती है, मात्रा उसकी ठीक होनी चाहिए, अनुपान उसका ठीक होना चाहिए, तौर तरीके उसके खाने के अच्छे होने चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एलोवेरा, स्वामी जी, गिलोय, आंवला, ता जिंदगी खाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल स्वामी जी धनंजय का है। एक साल पहले बोन टीबी की वजह से स्पाइन की उनकी सर्जरी हुई थी, ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी बैक में काफी दर्द है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। देखो, हल्दी ना, जिनको बोन टीबी होने के बाद में जो हड्डियों पर असर आता है उसकी वजह से ये दर्द हो रहा है, हल्दी 1-2 ग्राम तो खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन हल्दी जब 25-50 ग्राम जब तक ना ली जाए, या पूरे दिन भर 100 ग्राम हल्दी लेने पर तो कैंसर और टीबी भी ठीक हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा खाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, हजम ही नहीं होगी, शरीर में उपद्रव होने लगेंगे। तो करक्यूमिन गोल्ड खाएं, करक्यूमिन गोल्ड 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम खा लें, या 1-1 गोली खा लें गर्मी हो तो, और दूध में हल्दी शिलाजीत लें, शिलाजीत या अश्वशिला, ये इसके लिए बहुत ही, शिलाजीत ही ऐसे हम देते हैं, कैप्सूल भी देते हैं और अश्वशिला देते हैं, ये करक्यूमिन गोल्ड तो रामबाण है ऐसे रोगियों के लिए जिनको ये दर्दे हैं और अंदर से कमजोरी है, उनको स्प्रिलिना और मोरिंगा और इम्यूनोग्रिट भी ले लेना चाहिए, तो अंदर की कमजोरी पूरी दूर हो जाएगी। ये खाली पेट इम्यूनोग्रिट, स्प्रिलिना और मोरिंगा ये खा लें, और खाने के बाद ये अश्वशिला या ये सब दूध में हल्दी शिलाजीत इनका सेवन कर लें, और किसी को पित्त बढ़ता हो तो ये करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद भी ले जा सकती है, नहीं तो खाली पेट भी खा सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें कर लेंगे तो मृत्युंजय भाई जो है वो रोग पर भी विजय पा लेंगे और मृत्युंजय भी हो जाएंगे, रोग से ना तो दुखी होंगे ना मरेंगे, वो 100 साल तक जिएंगे। अभी तो सर्दियों पर विजय प्राप्त करने की बात है स्वामी भाई, प्रॉब्लम भी बहुत जबरदस्त है, दर्द से परेशान है, आर्थराइटिस से परेशान है, कम से कम वो सर्दियों पर विजय प्राप्त कर लें, उसके बाद हम लोग अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। लेकिन अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास तो स्वामी जी हो गया, अब दर्द से राहत देने वाली दवा घर पर कैसे बनाई जाए, अब इसकी बारी है स्वामी जी। तो ये बाह्य प्राणायाम मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद के साथ बहुत ही जबरदस्त है। बाह्य प्राणायाम करने से वात का एकदम उस पर नियंत्रण आ जाता है और इसको भी करना चाहिए। तो खैर, अब जो आपने कहा उधर आगे बढ़ते हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये तो चली रही हैं, आप देख रहे हो इधर, ये पोटली मसाज, ये जानो बस्ती, ये कटी बस्ती, और इसके साथ साथ आज एक पकवान बताने वाले हैं। पहले हमने एलोवेरा की सब्जी भी बताई हुई है, अब
स्वामी जी आज क्या करना है, खाने की बात नहीं होगी, देखो लगाने की थोड़ा भी बात सा गाय का घी डाला। आपने कहा था कि आज आप पीड़ा को दूर करने वाला पीड़ांतक तेल भी सिखाएंगे। हाँ तो देखो, पीड़ांतक तेल और ये थोड़ा गाय का घी डाला, गाय का घी डाल करके और इसमें रागी को रागी का आटा डाला। अब रागी का आटा क्योंकि हमें फास्ट करना है तो थोड़ा सा पहले से भी हमने भून लिया है, थोड़ा सा अभी और भून, और इधर ये रागी का आटा भून करके और इसमें फिर जितने भी गूंद होते हैं गुग्गुल से लेकर के सिलाई गुग्गुल से लेकर के, ये सब हड्डियों को मजबूत बनाने वाले होते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया ये सरसों का तेल अथवा तिल का तेल, सबसे बेस्ट होता है तिल का तेल, अरंडी का तेल, सरसों का तेल, ये सब के सब जो है अत्यंत वातनाशक होते हैं। अब इसमें ये पीड़ांतक तेल बनाने के लिए अब द्रव्य डालने हैं वो अभी बताते हैं। देखो ये लहसुन है, लहसुन को थोड़ा कूटना पड़ेगा नहीं तो फिर ये छिटकता है। लहसुन को कूट करके, और इसके अंदर लहसुन ही नहीं, लहसुन के साथ साथ हमने ये अमरबेल भी डाल दी, ये अमरबेल, अमरबेल के साथ साथ ये अरंड के पत्ते, ये निरगुंडी के पत्ते और ये सारे चीज़ों के पत्ते ये हमने डाल दिए इसके अंदर जो है, ये पारिजात आहार श्रृंगार और आँखें के पत्ते भी डाल दिए। अब इन सबको डाल करके और कूट करके और इनको फिर गरम गरम तेल में, अब तेल लेकिन जो है थोड़ा सा इधर, तो आप देख रहे हैं ये तेल तैयार हो रहा है। अब इस हमने तेल के अंदर थोड़ा सा आँखे के पत्ते के साथ साथ और सारी जड़ी बूटियों के साथ साथ लहसुन, इसमें थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया जो है अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल करके, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल करके इसके अंदर पका ली। अब पकने के बाद यही तेल पीड़ांतक तेल के रूप में हो जाता है, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ डाल करके पका ले। इधर जो है ये रागी, रागी को हमने भून लिया, रागी को भून करके लोग अक्सर बेसन का हलवा बनाते हैं अथवा सूजी का हलवा बनाते हैं, ये तो रागी का हलवा ये बड़ा ज़बरदस्त है ये हेल्थ के लिए। और इसमें साथ में हमने क्या किया, गूंद को भून लिया, गूंद को भून करके फिर उसको भी डाल देते हैं। अब ये गूंद और रागी और इसके अंदर फिर गुड़ की चाशनी, अब ये जो रागी है और फिर तैयार हो जाएगा भुनी हुई रागी के अंदर हलवा, फिर ये गोंद और फिर ये चाशनी डाल देते हैं। बिल्कुल, तो चाशनी उतनी डालें जितनी ज़रूरत हो, नहीं तो इसके थोड़ा सा बूरा शक्कर मिला करके भी खा सकते हैं, तो ये लंबे समय तक चलेगा। रागी की पंजीरी बन जाएगी स्वामी जी, चलाना हो तो फिर, क्योंकि चाशनी या तो बहुत गाढ़ी बनाए। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, मतलब ये कि गाढ़ी बनाए, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा साथ साथ स्वाद भी इसका शानदार है। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय है, रागी का हलवा बना ले, बहुत 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 शुक्रिया स्वामी जी।